हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडागा। ध्यान से सुनना सर, ये अपन इनकम टैक्स की 21 नंबर की केस सिनेरियो कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 20 अपलोड कर दिया, उसके प्लेलिस्ट अलग ही बना दिए केस सिनेरियो और एमसीक्यू की, तो वो आप आराम से जाके देख सकते हैं। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, क्योंकि ये केस सिनेरियो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में सर। ठीक है, लास्ट टाइम में तो ये बहुत हेल्प करता है सर। तो केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका हमारा सेम है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे दिमाग में क्लैरिटी होती है कि हमें क्या करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आपको बोल रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है। देखो क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट मिस्टर कमल हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 35AD, मतलब 35AD वाली बात है, एंड हैज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम, वट विल बी द अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। तो 35AD के डिडक्शन बताना है, उसके बाद PGEP की इनकम बताना है और ATJJAA की डिडक्शन बताना है। तो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर कमल एज 45 ईयर्स कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 3-स्टार होटल। 3-स्टार होटल क्या 35AD में कवर हो जाएगा? यस, इन दिल्ली इन 1/4/2023। इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ऑन लैंड। सर लैंड का नहीं मिलता, लैंड ये लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तीन चीजों का खर्चा नहीं मिलता है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2023। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 ही इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़, आउट ऑफ विच 50 लाख वॉज फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, 1 करोड़ 50 लाख वॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग। ये मिल जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर वॉज मेड बाई अकाउंट पे चेक। ओके, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन 35AD वॉज 85 लाख। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको। उसके बाद बोला सर ये इज एम्प्लॉयड 220 न्यू एम्प्लॉयज, तो ये तो ATJJAA के लिए काम का है सर। ऑल द एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड देयर इमोल्यूमेंट्स आर पेड बाई अकाउंट पे चेक। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम दिस होटल दिया हुआ है सर 11 करोड़, वो आपको बता रहे सर। ये पर्सन वो है जिसके पर 44AB अप्लाई होता है। सर ये क्यों पता करना जरूरी है? क्योंकि सर ATJJAA की डिडक्शन उन्हीं को मिलती है जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है सर, ठीक है, इसीलिए इसने बताया। मिस्टर कमल हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ऑब्वियस सी बात है सर, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही क्यों बनता। मिस्टर कमल हैज ऑल्सो अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4-स्टार होटल इन अहमदाबाद विच कमेंसेस ऑपरेशन 20 ईयर्स बैक, द प्रॉफिट फ्रॉम विच वॉज 140 लाख। तो ठीक है, पहले तो हमें 35AD के डिडक्शन पूछा, तो 35AD के डिडक्शन कितनी हो जाएगी सर? ये 150 लाख, ठीक है, तो पहला आंसर तो हमें मिल गया। फिर आपसे बोला था PGEP की इनकम कितनी है, तो देखो इसको प्रॉफिट हुआ था 85, डिडक्शन है 150, तो इसको अपन लिख लेते हैं। देखो सर 85 का प्रॉफिट, 150 की डिडक्शन, और एक और होटल है सर जिससे उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 140 प्लस 140, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली कितना आ जाएगा सर 75 का प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल PGEP की इनकम आ गई सर 75, आया समझ, एकदम सिंपल। इसके बाद ATJJAA की कहानी थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक खास बात, यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ही इज एम्प्लॉयड 220 न्यू एम्प्लॉयज, द डिटेल ऑफ विच आर दिस, आपको डिटेल्स दी हुई है। आपको एक बात याद होगी तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, मस्त वाली बात थी सर, जिस केस में आप सेक्शन 35AD क्लेम कर रहे हो, ठीक है, जिस केस में आप सेक्शन 35AD क्लेम कर रहे हो, उस केस में डिडक्शन जो है वो कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि सर कुछ ऐसी डिडक्शन है जो चैप्टर 6 से अंडर हेडिंग सी में होती है, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपने 35AD क्लेम किया। तो अभी इस क्वेश्चन में अपन ने 35AD क्लेम किया और जो चैप्टर 6A डिडक्शन हेडिंग अंडर सी के अंदर जो कवर होती है वो ATJJAA कवर होती है, तो आपने 35AD क्लेम कर लिया है। जब आप 35AD क्लेम कर लेते हो तो ATJJAA की डिडक्शन नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन का सबसे प्यारा पॉइंट मेरे को यही लगा,
Would Mr. Kamal be eligible for deduction under 80JJAA for the assessment year 24-25? If so, what is the quantum of deduction? सर ये डिडक्शन ले ही नहीं पाएगा. रीजन ये है सर, इसी सिमिलर बिजनेस के लिए इसने 35AD क्लेम कर लिया है. तो एक बार 35AD क्लेम कर लिया, फिर चैप्टर 6A डिडक्शन के अंदर जो हेडिंग सी वाली जो डिडक्शन है वो क्लेम हम नहीं कर पाते. ये अच्छा पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा, मतलब मेरे हिसाब से निकाल के आ जाएगा. आई होप समझ आया होगा. ध्यान रखना इसको, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. ये वाला केस सिनेरियो तो हमारा कवर हुआ. अभी सर 21 में पहुंचे, 25 तक पहुंचना है सर. बहुत सारे केस सिनेरियोज है, ठीक है. चलो, थैंक यू.